का मंगल एक काम कम से कम वो तो ढंग से कर लिया होता, वो भी मुझे करना पड़ रहा है जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें क्यों निशा हुआ मंगल? पहले हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगो। तुम रक्षाबंधन का मौका और यहाँ पर भाई ईशाना की कमी है, यहाँ सब लोग ना ईशानों को बहुत मिस कर रहे हैं। और यहाँ पर जो कुसुम है ना वो आदित्य को बोलती है कि तुम सोम्या से राखी बनवा लो, ये देखकर ना सब लोग शॉक हो जाते हैं, स्पेशली सोम्या और आदित्य। अब भाई सोम्या और आदित्य कैसे एक दूसरे को राखी बांध सकते हैं, यहाँ तो वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर कुसुम को लग रहा है अगर सोम्या उसको आदित्य को राखी बांध देगी तो सारा खत्म ही हो जाएगा, खेल कोई अफेयर वगैरह चलेगा ही नहीं और यहाँ भाई बहन भाई का रिश्ता भी बन जाएगा। और यहाँ पर अचानक से ईशाना आ जाती है और उसका प्लान फेल हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि ईशाना को देखते ही आदित्य का गुस्सा और फूट जाता है। यहाँ पर आदित्य बोलता है कि ईशाना को कैसे लेकर आ गई तू मंगल यहाँ पर, और मंगल को खूब सुनाने लगता है सबके सामने। Come on, कहो मुझसे कि तुमसे गलती हुई है, कहो मुझसे कि मैंने जो फैसला लिया ईशाना को हॉस्टल भेजने का बिल्कुल सही फैसला किया है। आदित्य ये क्या तरीका है? सारे तरीके आजमा लिए पापा, बस यही तरीका बचा इसके दिमाग में बात घुसाने, आज हाथ जोड़ के माफी मांगेगी मुझसे। लेकिन यहाँ मंगल और लक्ष्मी मिलकर ना आदित्य को सुना देते हैं और बोलते हैं कि भाई ईशाना के स्कूल से फोन आया था, तो उसकी तबीयत खराब थी, उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और यहाँ पर हम उसको डॉक्टर को दिखा के सीधा घर ले आए हैं। अभी रक्षाबंधन का मौका है ना तो वो भाई राखी भी तो बांधेगी। और यहाँ पर कुसुम और घर वाले बहुत खुश भी हो रहे हैं कि ईशाना आ गई है और यहाँ पर भाई जो मुहूर्त भी था वो भी निकलने वाला है, तो अब यहाँ पर रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो मनेगा। और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि भाई ईशाना राखी बांध रही है, इवन यहाँ पर लक्ष्मी और मंगल एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं। भाई इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ना वो कुछ अलग ही है। यहाँ पर कितनी बार सब लोगों ने कोशिश की कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो बॉन्डिंग है, जो एक बहन का रिश्ता है वो तोड़ दे, लेकिन कोई भी अभी दरार पैदा नहीं कर पाया। इवन यहाँ पर गायत्री और आदित्य ने कितनी बार कोशिश और कहेगी कि ये खुद गलत है और आज के बाद मेरे किसी भी फैसले पर अपनी मर्जी नहीं चलाएगी। क्या सोच रही हूँ, अपनी गलती मानोगी या नहीं, ये मानोगी कि नहीं कि मैं सही हूँ? की है गायत्री ने तो भाई उसके फंक्शंस में आने से मना कर दिया था कि तुम तो मंगल के फंक्शन में नहीं जाओगी लक्ष्मी, और उसे बात भी नहीं करोगी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मंगल और लक्ष्मी एक दूसरे को राखी बांध रहे हैं और अभी एक साथ हैं। वहीं आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले कि आदित्य और गुस्सा कर रहा है मंगल के ऊपर कि भाई तुम्हें ईशाना को नहीं लेकर आना चाहिए था, और भाई तुम क्या करोगे यहाँ पर, कितना एम्बैरेसिंग लग रहा है, टीचर्स क्या बोलेंगे। और यहाँ पर मंगल कहती है मैंने टीचर से भी बात कर ली है और मैंने हॉस्टल में भी बोल दिया है और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आदित्य भाई बहुत गुस्सा कर रहा है और आदित्य कह रहा है ये फैसला सिर्फ मेरा होगा, ईशाना का जो भी डिसीजन है वो मैं ही लेने वाला हूं। और ये मंगल सुनकर ना थोड़ी सी गुस्सा भी हो रही है। अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में भाई मंगल की चलेगी या आदित्य की चलेगी। यहाँ पर आदित्य तो बोल रहा है कि ईशाना हॉस्टल ही जाएगी। मुझे क्षमा कर दीजिए आदित्य जी, मैंने आपके फैसले में हमेशा साथ दिया है लेकिन आज आपका ये फैसला सही नहीं है। मंगल कह रही है कि वो घर पर ही रहेगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और हॉस्टल में उसको एलर्जी वगैरह हो जाती है, वो सारी चीजें सहन नहीं कर पाएगी और जो घर में जितनी उसको सुविधाएं मिलेंगी वो हॉस्टल में नहीं मिलेंगी। तो देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि मंगल की चलने वाली है या आदित्य की। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई गायत्री और लक्ष्मी में दोबारा से झगड़ा हो गया। यहाँ पर गायत्री लक्ष्मी से गुस्सा हो जाती है, भाई अचानक से लक्ष्मी चली जाती है यहाँ पर मंगल के पास क्योंकि मंगल का फोन आ जाता है कि ईशाना की तबीयत खराब है। और यहाँ बुआ उस मौके का फायदा उठा लेती है, बुआ किचन में चली जाती है, उसकी सारी जो उसने डिशेज बनाई होती है खाने की वो सब खराब कर देगी। यहाँ वो बोल की भी गई है कि भाई आप मम्मी को बता देना कि मैं ना वहां पर जा रही हूँ मंगल के यहाँ और ऐसे ऐसे चीजें हो गई हैं, यहाँ पर ईशाना की तबीयत खराब है और वो चिंता ना करें, मैंने किचन में सारा खाना बना दिया। हम देख रहे हैं ना इस जड़ बुद्धि को। अदित्य जी मैं ये कह रही हूँ कि ईशाना को हॉस्टल भेज देने से उसका झूठ बोलना बंद नहीं हो जाएगा। अब वो सारा खाना बनाने के चक्कर में भाई यहाँ पर बुआ को पता तो लग जाता है, बुआ वो सारा जो खाना है ना वो सब खराब कर देगी और जैसी गायत्री आएगी उसको टेस्ट वगैरह करेगी, यहाँ पर पता लगेगा कि लक्ष्मी ने बनाया है तो वो बहुत गुस्सा करने वाली है क्योंकि उसमें किसी में नमक ज्यादा होगा, किसी में मिर्च ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें वो करके रखेगी। और अब देखते हैं कि कार्तिक क्या करता है। वैसे कार्तिक हर बार की तरह इस बार भी उसको संभालेगा क्योंकि यहाँ पर वो लक्ष्मी की ही तारीफ करता है, लक्ष्मी ही की तरफ लेता है और गायत्री इस बात को देख के और गुस्सा हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पर कार्तिक अब किस तरीके से लक्ष्मी का साथ देता है और यहाँ पर गायत्री का क्या रिएक्शन होता है।